सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं गाइस वो इंडियन ओरिजिन से बन गए। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज़ दूं आपको, यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम यहाँ पर अपने पुराने माइंडसेट से पीछे नहीं हट रहे, हम डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ जंगों की बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं दुश्मनी की। गुजारा ही करना बड़ा मुश्किल हो गया, बिजली के बिलों ने, इलेक्ट्रिसिटी के, और दूसरी तरफ फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हर तरह की क्राइसिस ने हमें घेर लिया हुआ है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है, आज की न्यूज़ आई है कि सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक इंडियन ओरिजिन से बन गए हैं। कल परसों न्यूज़ आई थी कि आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन बनेंगे। अभी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन हैं। तो वो डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट, तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्या हालात हैं और वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं? हम इधर सौदा लगाते हैं जी, इधर हमें नहीं छोड़ते सौदा लगाने को, ठीक है? क्या करते हैं हम, घर में जाओ 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है, इधर 1,000 रुपये का हमारा काम नहीं होता, अपना माल ही खाते हैं। हाँ, अपना माल ही खा रहे हैं जी। तो वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं? बस जी, हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं उनसे, हमें क्या, हमारे मुल्क को चाहिए कि अपना ख्याल खुद करे, ठीक है? ये ख्याल ही नहीं करते, ठीक है, उसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गई, क्या मुकाबला कर सकते हैं उनका? जी अल्लाह के हुक्म से कर सकते हैं, ये कुछ करें तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इस हालात के अंदर, मौजूदा टाइम के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं जी, क्यों नहीं कर सकते? हम वो इतने ताकतवर कैसे बन गए? वो देखिए ना, वो अपने आवाम का ख्याल रखते हैं, ठीक है कि नहीं? अपने बिल्कुल नहीं रखते। अब ये आप इधर खड़े हो जाए, एक ट्रक आ जाएगा, हम घर चले जाएंगे। इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए, आ जाए, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ इंसाफ नहीं है यहाँ पे। इंसाफ नहीं है, कौन देगा इंसाफ? अदालतें देती हैं, यहाँ पे तो अदालतों की भी नहीं सुनी जाती। क्या हिंदुस्तान में इंसाफ है? इंसाफ वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ हद तक इंसाफ है, वहाँ पे मिलता है वहाँ पे आवाम को। अगर वहाँ पर इंसाफ नहीं है तो वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत कैसे बन गए? वहाँ पे जी, एक तो वहाँ पे आबादी का बहुत ज़्यादा जो है ना तनासब की वजह से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मार्केट है वो दुनिया की। अच्छा। वो इतना एक रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है। हर आपको पता, सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी बन गए इंडियन ओरिजिन से, यूके के प्रेसिडेंट भी, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन, अभी अमेरिका के भी बनने वाले हैं, वो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं कैसे? एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं? यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल भी मेयार अच्छा नहीं है, यहाँ तो गरीब के लिए तो एजुकेशन है ही नहीं। अच्छा। यहाँ पे तो सिर्फ एक खास तबके के लिए है ग्रेजुएशन। आपको लगता है कि इन सिचुएशन के अंदर हम अभी भी कहते हैं कि उनके साथ जंग करेंगे, क्या जंग कर सकते हैं? मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, आती नहीं है यहाँ पे, पहले आवाम को खाना रोटी पहले पूरा मिल जाए, जंग तो बहुत दूर की बात है, वो जंग नहीं कर सकते। वो तो एक तो ईमान की ताकत होती है ना, ईमान से जंग लड़ता है मुसलमान, ठीक है? एक तो यहाँ पे ईमान भी बहुत कमज़ोर है लोगों के, तो कहाँ कोई जंग की बात करें, यहाँ पे पहले लोगों को इंसाफ तो दे दें, दो वक्त का खा, दो वक्त का। यही बात अभी देखना कि यहाँ पर कितने लोग आपको गलत कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई हम तो जंग लड़ सकते हैं, मैं किसी एक से भी पूछूंगा वो कहेंगे कि भाई हम तो सब कुछ कर सकते हैं। जंग लड़ने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी मईशत के पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं जनाब? कर्ज पे मुल्क चल रहा है। हाँ जी, कर्ज पे चल रहा है। आप मईशत की बात कर रहे हैं, कहाँ गए? किसी और से पूछता हूँ, आपसे बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर आए जरा, क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, नहीं ताकतवर है। नहीं ताकतवर। कमजोर है हमसे? हम कमजोर हैं, वो ताकतवर है। अच्छा, वो ताकतवर है। मुझे लगता है समझ आ गई अब सारी आवाम को, क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला। मुकाबला नहीं कर सकते। गैस, मैं 5-6 बंदों के पास और जाऊंगा, क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है। अच्छा। हमारी हुकूमत है। इधर आए जरा, इनको जवाब दें, कह रहे हैं कि हमारे पास जज्बा, हमारी हुकूमत है, हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारी ताकत है। कौन सी ताकत है? हमारे कलमे की ताकत है। कलमा की ताकत, मैं आपको बता रहा हूँ, ईमान की ताकत से इंसान, मुसलमान जो है ना ईमान की ताकत से लड़ता है जंग। 71 में क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन है? 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। 93,000 की? हाँ जी, ईमान की ताकत नहीं थी तब। हाँ जी, बताएं तब कहाँ गई? आपको बताया ना कि ईमान की ताकत यहाँ पे मुसलमानों में भी बहुत नीचे तक चली गई है। यहाँ पे सिर्फ इंसान, जो इंसान है ना जुबान से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, किरदार कोई भी नहीं हुआ किसी का। मुझे बताएं, हमारे पास इतने हम पावरफुल हैं, आए 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 आए, बात करें और कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। हमारे पास अगर इतनी पावर है तो 71 में क्या हुआ था?
यार वो तो मुझे पता नहीं उसके गदर में क्या हुआ था, क्योंकि इतने बड़े कभी भी सिलेंडर नहीं हुआ इतना बड़ा, तो वो ताकतवर हुए ना हमसे? नहीं बस तो कुछ अफसर नहीं, अब तो 2023 चल रहा है, वो अब वो किधर गए होंगे? वो पांचवी बड़ी मुश्किल आपके कहने के मुताबिक, वो नहीं है, वो सिर्फ अपनी आवाम के साथ चलते हैं, ये अपनी आवाम के साथ नहीं चलते। हाँ ये बात है, ताकतवर अल्लाह के हुक्म से, हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर हैं। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे वो ठीक है। आपकी मैं बात सुने, जंगे की तरफ क्यों जाते हैं, पीस की तरफ क्यों नहीं आते, प्यार मोहब्बत से बात क्यों नहीं हल कर लेते? वो करते हैं, हम नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन करता है? ये गाइस फैक्चुअल बंदा है, मिलेगा मुझे जो फैक्ट पे बात कर रहा है, हर बंदे को डिनाई कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे अंदर जो चीजें हमें बताई गई हैं, जो हमें पढ़ाया गया, आपको लगता है कि सही पढ़ाया गया? जो हमारे दिमाग के अंदर चीजें भरी गई हैं, लगता है कि वो सही है? नहीं ना सही। ये बंदा आपको बता रहा है। अब आप मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, उनसे जंग भी कर सकते हैं, चार जंगें लड़नी हैं, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। अब भी तैयार हैं, अभी इसी वक्त भी तैयार हैं हम। ये कह रहे हैं कि इधर थोड़े इधर आ जाएं, खाना पूरा करते हैं, जंग तो बाद की बात है, पहले अपनी आवाम को दो वक्त का खाना तो खिलाएं ताकि वो लड़ सकें। अगर वो खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से? उसकी तो बात ही खत्म हो गई ना खाने वाली, बकाया जो जंग की बात है वो हम तैयार हैं। कैसे करेंगे? बात ही नहीं हो रही, जंग कौन करना जा रहा है? मौलवी साहब आ गए, थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे ना पहले हमें दो टाइम की रोटी तो दे लें, बाद में हम जंग लड़ेंगे। मैं इनको बताता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम जंग ओद के मौका पर जब दो नबी अलैहिस्सलाम ने दो पत्थर हुजूर ने पेड़ का ईमान के लेवल, उनका ईमान के लेवल चेक करो खाने के, तब मुसलमानों के जब ईमान के लेवल थे वो लेवल, साहबा में भी दिल थे ना, इनके पास दिल है ना, हमारे पास दिल है, साहबा के दिल थे यार भाई, साहबा और फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ ना, फैक्ट पे बात कर रहे हैं, मौजूदा रात किस लेवल पे बात लेके जाना, वहाँ पे तो हर इंसान हर मुसलमान कहेगा कि काफिर के सामने वो खड़ा होगा डट के, ठीक है। लेकिन बात अभी फिलहाल ये हो रही है कि हालात के हिसाब से आपने कहा कि जंग अगर की जाए तो कौन बड़ा, कौन ज्यादा? अब मुझे बताएं हालात मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, अगर इस टाइम जंग की जाए तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो कौन जीतेगा? हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, क्यों जीतेगा? वो कह रहे हैं जो आप कमजोर हो गई है, फौज 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 ना की ताकत से भाई आपकी फौज को मत कर रही पाकिस्तान में, वो फौज कर रही हो चाहे जो भी कर रहा हो, ये तो कुरान का फैसला है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इस्लाम की जो पावर है ना मुसलमानों के साथ है। आज अगर इस्लाम की इतनी पावर है तो कटोरा लेके दुनिया में क्यों भीख मांग रहे हैं हम? ये तो हमारे हुक्मरानों की गलती है, हम तो कहता है कि किसी से मांगना नहीं चाहिए। जी जी आप वैसे ही इनको तंग कर रहे हैं, ये लोग तो गरीब लोग हैं, अब आधी रोटी पे गुजारा करेंगे। आप बताते हैं आपसे बात, जब तक सूद बंद नहीं किया उन्होंने, सूद अल्लाह आप ही पढ़े हुए हैं, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने, तो सूद की क्या सजा अल्लाह के, अल्लाह के साथ खुली जंग है, ये गुमरान जो है अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं, आवाम के साथ नहीं कर रहे हैं सर। वो जंग में तो हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी तो लड़ रहे हैं, मर तो आवाम रही है ना, आवाम क्या लड़ रही है, मरी जाएगी ना, भूख मौत आएगी तो मरेगी, भूख से नहीं मरेगी। मैं बच्चे की तरफ चलूंगा, सूद सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही होगा। जो सूद है ना आपको भी पता है, हुक्मरानों को भी पता है, तमाम देहरादून को भी पता है। सर आज इंडिया क्यों तरक्की कर गया हमसे, मैं सवाल ये पैसे लेके आइए, मैं उससे बात चले गया ना, टैक्स तो आप देते हैं ना, आप नहीं देते हैं, आपको पता है इंडिया एक दफा गया, सिर्फ एक दफा IMF के पास गया, हम 26 मरतबा गए। आप सब्जी लेते हैं, आटा खाते हैं, कैसे खाते हैं आज, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो कितनी तनख्वाह आपकी, लाख डेढ़ लाख रुपया है, डेढ़ लाख वाला आदमी भी गुजारा नहीं कर सकता है, मजदूर की तो दूर की बात है, ये तो रुक क्या, इसका जिम्मेदार कौन है? है? इसका जिम्मेदार ये हुक्मरान है जो बैठे हुए हैं वो ऊपर, अल्लाह इनसे पूछेगा क्या, जब मरेंगे अल्लाह ताला पूछेंगे कि आप लोगों ने क्रॉन पे कितना अमल किया है, पढ़ते सारी दुनिया है, मौलाना फजलुर्रहमान साहब बात सुने, मौलाना फजलुर्रहमान साहब असेंबली में है, क्रॉन का उनको नहीं पता, क्रॉन में अल्लाह का क्या हुक्म है, ये खुली जंग है सूद के नहीं है, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, वो IMF से पैसे ले लिए सूद, अब इसके बारे में सोचें, क्रॉन के बारे में सोचें कि अल्लाह ने क्या हुक्म किया है। सर मैं यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात करने आया हूँ, मौजूदा टाइम को देखते हुए, क्या इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड करनी चाहिए? इंडिया के साथ कौन सी जंग की है इन्होंने, पहले लोगों ने की थी जो आज दिखा रहे हैं, आजकल तो किसी ने नहीं की, हमारी इतनी उम्र हो गई, या जंग कर सकते हैं या फिर उनसे लेन देन करें सामान लें, ये लेन देन करेंगे सामान लेंगे या जंग करें, देखे जहाँ पे है ना कश्मीर में लोग मर रहे हैं, अल्लाह का क्या हुक्म है, क्राउन के हुक्म पर चले भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं आता, मेरे कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर की बात कर लेते, क्राउन में कहता है कि अल्लाह पाक के जहाँ कोई मुसलमान तकलीफ में है
उसकी मदद करो, ये बस खाली कागजों में आए हो। चाइना के अंदर भी तो हो रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म, उसके ऊपर बात अभी आप जाए ना, कोशिश करें। मेरे पास ताकत है तो मैं, कश्मीर की बात, हमारे पास ताकत नहीं है जाने की, जिनके पास है अल्लाह का हुक्म है वो जाए। सर मौजूदा टाइम के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, बात सुन ले, सुन लेना मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, अगर कश्मीरी भाइयों को कहेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो आएंगे या आप उन्हें लेके आएंगे? ये हालात छोड़ के नहीं आएंगे, वो वहीं मर जाएंगे, आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उनके अपना अल्लाह ने दिया हुआ है वो उस वक्त इन्होंने अंग्रेजों ने मिलकर तो कहा, आप ही अंग्रेज लड़ा। आपको पता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? हुजूर पाक के साथ कितनी जंगें हुई, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? कुरान पे क्यों नहीं जाते हैं? तर्जुमे पे जाएं, तफसीर पे जाएं। आप तो ये दुनियादारी की बातों में, दुनिया में तो भूखा आदमी, दुनियादारी को भी तो साल लेके चलना है। हुजूर पाक ने 3 पत्थर बांधे, हमें अभी 1 पत्थर भी नहीं बांधा पेट पे। सर हमने हालात चेंज करने हैं, पत्थर बांधेंगे, चेंज करने हैं, किस तरह से सोच बदल के टेक्नोलॉजी की तरफ। आज भी कोई भूखा नहीं सोता है, यह आपका गलत है। भूखा नहीं सोते, दो टाइम की रोटी, दो टाइम की रोटी किस तरह खा रही है आवाम यार। चले किसी और की तरफ चलूंगा मैं, किसी से बात करूंगा। एक मिनट बात सुन ले, बात करने से थोड़ा साइड पे हो जाए। एक मिनट बात सुनिएगा, थोड़ा आगे आ जाए। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो पुराने टाइम था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था, नबी सलाम आए, बहुत सारे नबी आए, कमोबेश 124,000 पैगम्बर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे, दुनिया में भेजे, तो अब हर नबी को भेजा कि इस जमाने में सरवाइव कर सके। तो आज के जो टाइम है इसके अंदर मईशत है या नहीं है? आप नहीं समझते कि पैसा पावर है? पैसा की तरफ हम क्यों नहीं जाते? हमारे माइंड से इतने पुराने क्यों हैं? देखें, पुराने माइंड नहीं है यहाँ पे फिलहाल। अगर आप गुजारे की बात करें ना इंसान का, तो पैसा ज़रूरी हो गया, ठीक है। और अगर आप कहना कि मुसलमान पैसे पे, तो वो भी नहीं है। मुसलमान अपने ईमान से, दिल से बहुत मुसलमान होता है, पैसे से नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम कितने भी अच्छे मुसलमान हैं, दुनिया हमारी इज्जत कर रही है, हम कटोरा लेके जा रहे हैं, हमें अपने हिस्से की मेहनत इतना पावरफुल तो बनो भाई कि दुनिया को जवाब दे सको। आज तुम इंडिया को दुश्मन कहते हो, वो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत, चांद पे जा रहा, सूरज पे जा रहा, वो तो हमें मिशन पे समझता ही नहीं है सर। अब नहीं समझता ना सर, तो हमें लाइक होना इस किस्म का, हमने दुश्मनी भी नहीं करनी। अब हमने सोचा कि अंदर जब इंसाफ ही नहीं करोगे आप, तो बाहर लोगों के साथ आप कह रहे हो जंग की बातें करें। हम अपनी मईशत ठीक नहीं है तो दूसरों की मईशत पे आप मुकाबले करने जा रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? कैसे मईशत को ठीक कर सकते हैं? इंसाफ और जो है करप्शन खत्म करने के बाद। बहुत जबरदस्त, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? ये गारमेंट्स की शॉप है हमारी। शॉप है गारमेंट्स की, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बात करने का पर्पस आपसे ये है, एक तरफ हम हैं जो यहाँ पर रोटी की जंग लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे, और गुजारा करना कैसा है आज के टाइम के अंदर एक पाकिस्तानी का, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? गुजारा करना तो अब नामुमकिन हो गया है, नामुमकिन इस दफ़ा से हो गया है कि अगर आप अपनी सोच में देखें, अगर आप अपनी सोच में देखें, वो लोग जिनके बच्चे घर में रात को सिर्फ पानी पी के सोते हैं, तसव्वुर करें कि उस वालदेन पे क्या बीती होगी, वो पाकिस्तान को क्या दुआएं देता होगा। आप ये सिर्फ ये सोच रखें, जिसके बच्चे सिर्फ रात को पानी पी के सोते हैं। महंगाई का दौर है, 20,000-25,000 आमदन है, 15,000 रुपया बिल है घर का, 15,000 रुपया किराया है, वो कैसे अफोर्ड करेगा, कैसे बच्चे पालेगा? एक यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, पाकिस्तानियों को हैरान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको पता है यूएसए अमेरिका का आने वाले टाइम के अंदर प्रेजिडेंट एक इंडियन बनेगा। अभी सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर का प्रेजिडेंट इंडियन बन गया हुआ है। अच्छा। दुनिया के अंदर, यूके के अंदर भी प्रेजिडेंट, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला एक इंडियन प्रेजिडेंट है वहाँ पर। अच्छा। वो दुनिया में इतने तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सर ये देखें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें जी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी प्रेजिडेंट आए हैं ना, वो पाकिस्तान को कर्जा ही दे कर गए हैं। कोई एक प्रेजिडेंट भी ऐसा नहीं है कायद अजम के बगैर कि जो पाकिस्तान को कोई रिलीफ दे कर गया हो। जो भी प्रेजिडेंट आया ना, वो नया कर्जा दे कर गया, जाते हुए नया कर्जा और तोहफे की सूरत में पाकिस्तान को दे कर गया, अवाम के लिए नई मुश्किल जो है ना इकट्ठी करके दे कर गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? गुलाम रसूल। क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता। फ्री होते हैं, सही हो गया। सर क्या हालात चल रहे हैं? एक तरफ हम जो कि यहाँ पर भूख से, रोटी से, बिजली के बिलों से तंग हैं, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया तरक्की कर रहा है, वो चांद पर चला गया, सूरज पर चला गया, बड़े बड़े मिशन्स लॉन्च कर दिए उसने, तो हमने क्या किया और वो तरक्की क्यों कर रहा, कैसे तरक्की कर रहा वो? ये सब हमारे हुक्मरानों की गलती हैं। अच्छा। अवाम गरीब को उनका दिल है कि अवाम गरीब रहे ही नहीं, हम अमीर तो अमीर होते जाए, बाहर मुल्क लंदन बनाए, कोटियाँ अमरीका बनाए,
जिधर मर्जी जाए पाकिस्तान बड़ा खतरे में। बिल्कुल सही, हम इस हालात में कहते हैं कि हिंदुस्तान से जंग करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, कर सकते हैं? नहीं, वो तो खैर सलाहियत है हमारे में। अच्छा, किस तरह की है? वो हमारी आर्मी इंशाल्लाह बहुत मजबूत है और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। आप आर्मी से रिटायर हैं जी? सर, अभी के जो भूख मरी वो जो हालात चल रहे हैं, सारा बजट तो आर्मी के पास चला जाता है, और दूसरे नंबर पर अगर आने वाले टाइम के अंदर आपको पता वो उनके पास मईशत कितनी है, उनके पास पावर कितनी ज़्यादा, क्या मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोई लॉजिक बताएं? क्योंकि हमारी पावर अपने दिल में है। हमारा दिल में पावर क्या करेगी? हमारी सब थी पावर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल, देखो आने वाले वक्त की तरह, तो क्या हमारी तरह हमारी उस तरह की तैयारियां हैं कि हम उनका मुकाबला करें? वो दुनिया की पांचवी तीसरी कल, हर किस्म की तैयारी है। आप मुझे बताएं किस किस्म की तैयारी है? हर किस्म की तैयारी है। वो चांद पर चले गए, हम गए, तैयारी है। बिल्कुल, हमारे किस्सा हिम्मत से तैयारी है, हर किस्म की तैयारी है। हम इंशाल्लाह सिंगापुर किसी दुश्मन मुल्क से मार हम नहीं खाते। अच्छा, सिर्फ मार खाते हैं हम अपने हुक्मरानों से खाते हैं, पैसे से मार खाते हैं, गरीब से मार खाते हैं, गरीब है। तो आजकल पावर ही पैसे की है, पावर की पैसे की आज इंडिया पावर पैसे के हिसाब से दुनिया को खरीदता नहीं, पावर वो इंडिया पास खरीद ले, जितना मर्जी खरीद ले। जब गाइस यहाँ पर बात मानने पर, जब बाकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो हम हाथ खड़े कर देते हैं, क्यों इंडिया के साथ इतने अगेंस्ट क्यों हम? इंडिया दिल से कमज़ोर है बहुत। इंडिया जी पावर से विशाख पावर है, लेकिन दिल से कमज़ोर है। किस तरह से कमज़ोर? से पाकिस्तानी मजबूत है। अच्छा, हर लिहाज से। किस लिहाज से मजबूत है? अगर दिल से हम इतने मजबूत होते तो क्या हम उस दिल को काम के लिए ना लेके आते? आज हमारे पास इतने पैसे ना होते कि दुनिया हमारी इज्जत करती? क्या दुनिया हमारी इज्जत कर रही है? तो ज़रूरी है हर एक चीज़ पैसे से खरीदी जाए। अच्छा, हर चीज़ आप पैसे से खरीद सकते हैं इस टाइम के? हाँ, कुव्वत से भी खरीदी जा सकती है। कौन सी कुव्वत से? कुव्वत भी आप पैसे से खरीद? कुव्वत अपने अंदर से होती है, बाहर से कुव्वत? आज की कुव्वत भी आप पैसे से खरीदते हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कुव्वत पैसे से खरीदी जाए। अच्छा, तो फिर बात कर लेते हैं, फिर दुनिया हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रही? वो बस सब चीज़ हमारे हुक्मरानों की गलती है, हम अपनी गलती सारी। कोई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रही? ये काम की वजह से। पैसे नहीं है, जिल्लत बहुत है, काम नहीं है। काम कौन देता है? काम इधर से ही बस नहीं आ रहा, गवर्नमेंट हुकूमत की वजह से नहीं आ रहा। अच्छा, क्या समझते हैं आपके हालात जो हमारे चल रहे हैं, हम इन सब हालात के अंदर इंडिया जो दुनिया की पाँचवीं बड़ी मशहूर है उसका मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो हर सूरत में करना पड़ेगा, जैसे भी हो मुकाबला तो करना। कैसे करना पड़ेगा? यहाँ से भूख से लड़ रहे हैं कि जंग लड़ेंगे? उस वक्त जो जब जंग होती है ना, उनको खाने का कुछ नहीं पता होता। अच्छा, वो लड़ते हैं बस, यानी हाँ। कैसे लड़ोगे? डंडे गुली डंडा लेके जाओगे लड़ने के लिए? हमने गुली डंडा क्यों लेके जाना, हमारी इतनी फौज है। अच्छा, वो नहीं लड़ सकती, वो लड़ेगी हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ आपको कि बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? किसी को भी बात नहीं समझ में आती, क्या मसला है?